गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कि इसको हल कैसे करेंगे। ये द्विघाती समीकरण है और इसको देखेंगे, आपको जांच करना है कि ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे इसको हल करना है। तो जैसे कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है, x-2 × x+1 = x-1 × x+3। तो सबसे पहले जो हम लोगों को काम करना है, सबसे पहले देखना है कि ये फॉर्मूला पर आधारित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई के आधार पर है, तो हम लोग को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इससे पहले क्लास में आप लोग सीख चुके हैं, नहीं सीखे हैं तो भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x+1। फिर -2 से भी हमको x+1 को इंटू करना है, इक्वल टू। फिर देखिए x से x+3 को इंटू करेंगे, फिर -1 से x+3 को इंटू करेंगे। सेम एज इट इज, आपको x को x से इंटू करना है, x2। x को 1 बार पढ़ेंगे x, -2 को x बार पढ़ेंगे -2x, -2 को 1 बार पढ़ेंगे -2, x को x बार पढ़ेंगे x2, x को 3 बार पढ़ेंगे 3x, -1 को x बार पढ़ेंगे -x, -1 को 3 बार -3। एकदम इसी तरह जैसे हम कर रहे हैं, एकदम आपको इसी तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। नेक्स्ट x² + x - 2x, -x हो गया, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 2x में x चला गया, x बचा, कौन बड़ा है, 2x बचा, बड़ा है इसलिए माइनस का साइन बैठा, -2 इक्वल टू x² बैठ जाएगा, +3x - x, मींस प्लस माइनस माइनस, 3x में x चला गया तो बचा 2x -3। यहां प्लस क्यों लगा, क्योंकि यहां 3 जो है, 3x जो है x से बड़े है, इसलिए यहां पर प्लस लगा। नेक्स्ट x² - x - 2, इन सारे को हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर लाएंगे, मतलब दाहिने से बाएं की ओर जाएगा, तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी -x² प्लस है तो -2x, -3 है तो +3, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए +x² - x² आपस में कट गया, -x - 2x, -3x, -2 + 3 + 1 इक्वल टू 0। क्यों हुआ यहां प्लस, क्योंकि 3 2 से बड़ा है इसलिए यहां पर प्लस का साइन लगा। अब यहां पर देखिए क्या ये द्विघाती समीकरण है, नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 नहीं है, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नहीं। आया समझ में। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बता रहा है, x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5, बिल्कुल पहले वाला जैसा ही है। x को आपको 2x plus 1 से इंटू करना है, तो x × 2x + 1। नेक्स्ट -3 को 2x + 1 से इंटू करना है। नेक्स्ट x को x बार पढ़ना है, x² को 5 बार पढ़ना है 5x, x को 2x बार पढ़ेंगे 2x² प्लस x को 1 बार पढ़ेंगे x, -3 को 2x बार पढ़ेंगे -6x, -3 को 1 बार पढ़ेंगे -3 इक्वल टू x² + 5x। उम्मीद करते हैं ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट काम करना है 2x² + x - 6x प्लस माइनस, माइनस होता है 6x में x गया तो -5x, -3 इक्वल टू x² + 5x। नेक्स्ट काम करना है जो दाहिने वाले हैं उसको बाएं ओर ले आना है और इसको जीरो कर देना है,
तो नेक्स्ट 2x² माइनस 5x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका साइन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि बराबर के इस ओर जो है इसको इस ओर लाने के लिए हम लोगों का यहां पर साइन बदल गया। नेक्स्ट करना है 2x² में x² चला गया तो क्या बच गया, x² कौन बड़ा है 2x², इसलिए प्लस होगा। माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें स्क्वायर आ गया, यानी ये x² प्लस bx प्लस c को सेटिस्फाई करता है, इसलिए यहां पर होगा हाँ। तो समझ में आ गया होगा कि द्विघाती समीकरण में इसको जांच कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग को स्टेप बाय स्टेप हल करना है। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और न्यू है मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़े और वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय।